हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो कि सिक्स पार्ट है हमारा, जो CGSI के लिए जो क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे चल रहे थे, हमारा सिक्स पार्ट है। अगर आप पहला, दूसरा, तीसरा, अगर फोर, जितने भी सीरीज हैं, फाइव पार्ट डल चुका है, उन जो को सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो एग्जाम जो कि अगर क्वेश्चन नहीं ढूंढे, जाके आप देख सकते हैं वीडियो जो कि आपके डल चुका है, अपलोडेड है, तो उसको कवर कर सकते हैं। जो कि आपको एग्ज़ाम जो कि CGSI के एग्ज़ाम जो कि नवंबर में कंडक्ट व्यापम द्वारा किया जाएगा, तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा कीजिए। जाको एग्ज़ाम में आपके जो कि एग्जाम ज़्यादा अटेंड करिए, जो कि करे रहेंगे तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सिक्स पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन है 85 तक के पाँचवें पार्ट में किए थे, तो हमारा सिक्स पार्ट है। निम्नलिखित में से किस शासक को चालंकी बस जो कि वंश राजा कहा गया है? तो अन्नम देव को, जो कि यह शासक जो कि चालंकी वंश राजा कहा गया है, तो इसका ए ऑप्शन अन्नम देव सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भोसला सेनापति नीलूपंत का बस्तर प्रथम पर आक्रमण हुआ था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दलपत देव। तो इनके शासनकाल में जो कि भोसला सेनापति नीलूपंत और बस्तर के प्रथम बार आक्रमण हुआ था दलपत देव के शासनकाल में, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि प्राप्त है? तो राजपाल देव को, इस शासक को जो कि प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि इनको प्राप्त है, तो इसका बी ऑप्शन राजपाल देव सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो अन्नम देव की जानकारी जो कि दंतेवाड़ा अभिलेख से प्राप्त होती है अन्नम देव की, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, अन्नम देव। अगला क्वेश्चन है, तो रथपति की उपाधि किसे दी गई है? तो पुरुषोत्तम देव को जो कि रथपति की उपाधि इनको दी गई है, तो याद रखिएगा पुरुषोत्तम देव जो कि इनको रथपति की उपाधि जो कि दी गई है। अगला क्वेश्चन है, कोटपाट संधि कब हुई थी? तो 6 अप्रैल जो 1786 को, तो कोटपाल की संधि 6 अप्रैल 1786 को हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परवल कोट विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1825 में परवल कोट विद्रोह का, जो कि वर्ष 1825 में परवल कोट विद्रोह हुआ था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है विद्रोह से, जो कि इसका डेट पूछा जाता है एग्जाम में। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो महाप्रभु चैतन्य जो कि गौंडी संप्रदाय से जुड़े थे चैतन्य महाप्रभु, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की है? तो श्री वल्लभाचार्य जी ने जो कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की इन्होंने स्थापना की है, तो इसका डी ऑप्शन वल्लभाचार्य सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नित्य एवं गीतों कीर्तन को माध्यम बनाया है? तो चैतन्य महाप्रभु ने जो कि इस संत ने जो ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए एवं नित्य एवं गीतों कीर्तन का माध्यम बनाया है चैतन्य महाप्रभु ने, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो शंकराचार्य जो कि अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक है शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर की, तो यहाँ कश्मीर की जो कि भक्ति संगीत है सूफिया सलाम, तो कश्मीर से यह विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे? तो फतेहपुर सिकरी में प्रसिद्ध सूफी सलीम जो कि चिश्ती फतेहपुर सिकरी में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, काव्य व्यक्ति के रूप में उर्द का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो, जो कि काव्य व्यक्ति के रूप में उर्दू का जो कि प्रयोग करने वाला पहला लेखक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन हमारा, किस सूफी को महबूब ए इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को, इस सूफी को जो कि महबूब ए इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया को। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी संत ने कहा था अनौज दिल्ली दूर अस्त अभी दिल्ली दूर है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने, इस सूफी संत ने कहा था हनौज दिल्ली अब दूर अस्त, तो दिल्ली अभी दूर है इन्होंने किया था, इनका नाम है शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था।
अगला क्वेश्चन है, यह घोड़ा अच्छा इस वाक्य में वाक्य है तो इसमें सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं तो जो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहते हैं, तो संज्ञा सर्वनाम के जो विशेषता बताते हैं उस शब्द को विशेषण कहा जाता है। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो विशेषण के लगभग 4 प्रकार होते हैं। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द विशेषण है, तो सच्चा इसमें जो कि शब्द विशेषण है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, आदर शब्द से विशेषण बनेगा, तो आदर शब्द से आदरणीय विशेषण बनेगा, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विशेषण है तो संस्कृति का विशेषण बनेगा, सांस्कृतिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पशु शब्दक विशेषण क्या है, तो पशु शब्दक विशेषण बनेगा पार्श्विक, इसका विशेषण होगा पशु शब्द का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष, फुफेरा, तो इसमें से फुफेरा शब्द आपका विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है कृषि किस प्रकार की क्रिया है, तो यह अकर्मक क्रिया है, इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो गेहूं पीस रहा है जो कि इस वाक्य में, जो कि इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, बाकी मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है या टान करता है, यह आपका सकर्मक क्रिया है, गेहूं पीस रहा है, यह आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। भावाचक संज्ञा बनाइए, तो इसमें लड़कपन जो कि भावाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, प्रहलाद चरित्र किसकी रचना है, तो यह पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की प्रहलाद चरित्र इनकी रचना है, पंडित सुंदरलाल शर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तपत गुरु भाई तपत गुरु किसकी रचना है, तो यह दानेश्वर शर्मा जी की, यह तपत गुरु भाई तपत गुरु इनकी रचना है, तो यह दानेश्वर शर्मा जी की प्रमुख रचना है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर खूबचंद बघेल की रचना निम्न में से कौन सा नहीं है, तो करम अछड़ा, किसान कल्लई, लेड़गा सुजान, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी आपका खूबचंद बघेल जी की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है नौकर की कमी सुनने कान बस्तर नामा फोक कलवा, तो विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना नौकर कमी जो कि बहुत ही चर्चित रचना है, तो इनकी यह रचना है नौकर की कमी। कपिलनाथ कश्यप की रचना है, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, गजरा नवा बिहान अंधियारी रात जो कि कपिलनाथ कश्यप की रचना है। अगला क्वेश्चन है, मोरसंग चलौरे किसकी रचना है, तो लक्ष्मण मस्तूरिया की यह प्रमुख रचना है, मोरसंग चलौरे इनकी रचना है, तो ये जो कि इनकी प्रमुख रचना है लक्ष्मण मस्तूरिया की। बस्तर भूषण इसकी रचना है, तो केदारनाथ ठाकुर की बस्तर भूषण इनकी रचना है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केदारनाथ ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र देव वर्मा की रचना कौन सी नहीं है, तो सुबह की तलाश, अपूर्वा, मोला गुरु बनाई लेते, सूरज नहीं मरे, तो नरेंद्र देव वर्मा की रचना यहाँ पे कौन सी नहीं है, तो सूरज नहीं मरे इनकी रचना नहीं है, बाकी सुबह की तलाश, अपूर्वा, मोला गुरु बनाई लेते उनकी नरेंद्र देव वर्मा जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, बाबू रेवाराम की रचना है, तो रतनपुर के इतिहास, विक्रम विलास, रत्न परीक्षा, उपरोक्त सभी, तो बाबू रेवाराम की ये तीनों सभी रचना उनकी सही है, तो रतनपुर के इतिहास, विक्रम विलास और रत्न परीक्षा ये बाबू राम रेवा जी की प्रमुख रचनाएं हैं, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम छायावादी कवि माने जाते हैं, तो मुकुटधर पांडे को जो कि प्रथम छायावादी कवि माने जाते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है पीएससी व्यापम के एग्जाम में, तो मुकुटधर पांडे जो कि उनको प्रथम छायावादी कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी, तो कलचुरी वंश के बाद मराठों ने, तो मराठा राज्य जो कि छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी कलचुरी वंश के बाद मराठों ने, जो कि छत्तीसगढ़ पे शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा राज के पुनर्स्थापना का कालखंड कौन सा है, तो 1830 से 1854 सन में जो कि छत्तीसगढ़ में मराठा राज के पुनर्स्थापना का कालखंड 1830-54 तक जो कि इस काल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ में मराठों की शासन प्रणाली थी, तो छत्तीसगढ़ में मराठों की शासन प्रणाली जो कि सूबा शासन प्रणाली थी मराठों की, तो इसका बी ऑप्शन सूबा शासन प्रणाली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस प्रथम अंग्रेज अधिकारी राजधानी बनाया था, तो कर्नल एगेन्यू ने जो कि छत्तीसगढ़ के इस अंग्रेज ने अधिकारी राजधानी को बनाया था, तो इन्होंने जो कि इस अंग्रेज अधिकारी कर्नल एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ को राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मराठों ने दो तालुका बनाए थे, निम्न में से कौन है, तो तरेंगा और लोरमी। यह छत्तीसगढ़ में जो कि मराठों ने जो कि दो तालुकों बनाए थे, इनमें से तरेंगा और लोरमी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष भोसला शासन का कार्यकाल है, तो 1758 से 87 में ईस्वी तक जो कि छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष भोसला शासन का कार्यकाल है, तो 1758 और 87 ईस्वी तक जो कि इनका कार्यकाल है भोसला शासन का। मराठा शासन द्वारा विभिन्न जमींदारी क्षेत्रों से निर्धारित वार्षिक कर के रूप में ली जाती थी, तो उसको टकोली के नाम से जाना जाता है। तो कर मठारा जो कि मराठा शासन द्वारा जो कि विभिन्न जमींदारी क्षेत्रों से निर्धारित वार्षिक कर के रूप में ली जाती थी, जिसे टकोली कहा जाता था, जो कि जमींदारी क्षेत्रों से जो कि वार्षिक कर के रूप में टकोली लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, मराठा शासन द्वारा गैर कृषक वर्ग से लिया जाने वाला कर कौन सा है, तो पंडरी था। यह जो कि गैर कृषक वर्ग से लिया जाने वाला कर था मराठा शासन द्वारा, यह लिया जाता तो इसे गैर कृषक वर्ग से लिया जाता था, जिसे पंडरी कर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ अंचल में मराठा काल में पुनर्विवाह के बिना विधवा अपने माता पिता के घर में रहने की अनुमति पर कौन सा कर देना पड़ता था, तो यह सावन कर देना। तो यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ अंचल में मराठा काल में जो पुनर्विवाह के बिना जो कि विधवा को अपने माता पिता के घर में रहने की अनुमति पर यह जो सावन कर जो कि मुख्य रूप से देना पड़ता, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ में राजस्व मामलों से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए एक नियम थी, जिसका नाम क्या दिया गया था, तो दस्तर उल अमल यह जो कि नाम दिया गया था। तो ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में राजस्व मामलों से संबंधित समस्याओं निदान के लिए यह नियम थी कि इस कर को दस्तर उल अमल दिया गया था, इस नाम को समस्याओं निदान के लिए दस्तर उल अमल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दलपत सागर नामक झील कहाँ पे है, तो यह जगदलपुर में, यह दलपत सागर जो कि झील जगदलपुर में यह स्थित है। तो यह दलपत सागर बहुत ही बढ़िया घूमने लायक, कभी भी आप जाइएगा देखिएगा, तो यह जगदलपुर में यह झील है। अगला क्वेश्चन हमारा, मराठा शासन काल में राजधानी स्थित जो कि मराठा शासन काल में राजधानी स्थित खजाने में जमा होने में निकालने वाली राशि के हिसाब किताब निम्न में से कौन अधिकारी रखता था, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फडणवीस अधिकारी जो कि हिसाब किताब को रखता था। तो आज का क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन कैसे लगा, और डेली बेस पे क्वेश्चन पढ़िए, और नवंबर में एग्जाम आपका कंडक्ट है, और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए, इसीलिए बने रहे चैनल में, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।